हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल ज्ञान। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडियाज टाइगर सेंसस के बारे में। ये हाल ही में न्यूज में था बिकॉज जो टाइगर सेंसस हुआ था भारत का 2018 में और जिसको 2019 में पब्लिश किया गया था, वो 2020 में उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इसको शामिल किया गया, क्या रीजन के कारण, और फिर ये जो सेंसस हुआ था, टाइगर सेंसस जो हुआ था, इसके क्या डेटा निकल के आए, कितने टाइगर्स हैं भारत में, तो उन सारे चीजों पे हम आज इसके इसको मैं इस वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। यहाँ आप देख सकते हो आर्टिकल इंडिया 2018 टाइगर सेंसस मेक्स इट टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो बात यहाँ पे आती है कि जो इंडिया का जो टाइगर सेंसस हुआ था, टाइगर का जनगणना हुआ था, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों शामिल किया गया है, उसके क्या रीजन दिए गए हैं, तो वो है कि कैमरा ट्रैप्स के लिए। ठीक है, भारत में जो सेंसस ये ऑर्गेनाइज किया गया, कंडक्ट किया गया, जो कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ, उसका एकमात्र सबसे बड़ा रीजन था कैमरा ट्रैप्स के लिए। बिकॉज जो यहाँ पे जो कैमरा था वो फिट किया गया था हर जगह पे, और इसमें इस कैमरे में सेंसर लगा हुआ था कि अगर इस कैमरे के सामने से अगर कोई जानवर गुजरता है तो फट से ये कैमरा उसको क्लिक कर लेगा, उस पिक्चर को क्लिक कर लेता था, अदरवाइज ये वहां पे ऐसे ही वो कैमरा पड़ा रहता था। तो ये था इसका कैमरा ट्रैप का ये खूबी, जो कि 26,838 लोकेशंस पे इसको रखा गया था, 141 डिफरेंट साइट्स पे इसको लगाया गया था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहा था, काफी लार्जेस्ट टाइगर से कहा जाता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टाइगर सेंसस से हुआ था। अभी तक पूरी दुनिया में अभी तक ये जो टाइगर सेंसस हुआ भारत में, वो नहीं, इतना बड़ा टाइगर सेंसस किसी कंट्री में नहीं हुआ था। तो इसमें आप ये भी देख सकते हो कि जो कैमरा ट्रैप्स है उसने इतना कैप्चर किया फोटोग्राफ्स। ठीक है, तो काफी ज्यादा संख्या में फोटोग्राफ इसने कैप्चर किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड बना है। तो ये सब के रीजन के कारण ही जो भारत का टाइगर सेंसस था उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अब ये तो जान गए कि क्यों शामिल किया गया है, अब जानते हैं कि टाइगर सेंसस क्या था, उसमें कौन से डेटा निकल के आए थे। तो देखिए, टाइगर सेंसस हुआ था 2018 में और 2019 में इसको 29 जुलाई को पब्लिश किया गया था। 29 जुलाई को ही क्यों पब्लिश किया गया था, बिकॉज 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने इसको पब्लिश किया था। इसमें बताया गया था इस रिपोर्ट में कि 2,967 टाइगर्स हैं भारत में, कितने, 2,967 टाइगर्स भारत में मौजूद हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स अभी हैं तो भारत है, यानी कि आप भारत को द कंट्री ऑफ द टाइगर कह सकते हैं, मतलब टाइगर का देश भारत हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन का दिखाऊं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रसिया में मात्र 433 टाइगर का पॉपुलेशन है, इंडोनेशिया में 371 है, मलेशिया में 250 है, नेपाल में 198 है, थाईलैंड में 189 है, बांग्लादेश में 104 है। तो आप देख सकते हो कि काफी कम संख्या में यहाँ पे टाइगर का पॉपुलेशन है, और वहीं भारत में 2,967 टाइगर्स हो गए हैं, ये टाइगर सेंसस 2018 के अकॉर्डिंग। अब आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि जो भारत में कौन सा राज्य सबसे टॉप पर रहा, जहां पे टाइगर सबसे ज्यादा है, तो वो है मध्य प्रदेश। जी, 526 टाइगर के साथ मध्य प्रदेश पूरे देश में टॉप राज्य रहा, जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। उसके बाद सेकंड में आपको मैं बता दूं तो कर्नाटक था, मात्र 2 टाइगर से ये पीछे था, कर्नाटक में 524 और मध्य प्रदेश में 526 टाइगर पाए गए हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। फिर आप केरला में देख सकते हैं 190, तमिलनाडु 264, यहाँ पे उत्तराखंड 442, उत्तर प्रदेश 173, असम 190, तो ये सब आप देख सकते हो। और ये सेंसस जो है ना, टाइगर सेंसस
ये भारत में कब से, जब पहली बार कब से शुरू किया गया, पहली बार कब ये किया गया? तो पहली बार ये शुरू किया गया था 2006 में। तो 2006 में देखिए कितना टाइगर था, 2006 में 1411 टाइगर था, फिर 2010 में, यानी कि हर 4 साल पे टाइगर सेंसस होता है। ये भी आपको याद रखना है कि आपसे पूछ लेगा सवाल कि टाइगर सेंसस जो भारत में होता है वो कितने सालों पे किया जाता है, तो वो 4 सालों में किया जाता है। और दूसरा देखिए 2014 में, फिर देखिए यहाँ पे तो 2226 टाइगर थे, फिर 2018 का जब सेंसस आया तो 2967 सेंस अति टाइगर पाए गए हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब तक कि 2018 में हुआ, यानी कि अब टाइगर सेंसस जो है 2022 में होगा, तो जब तक 2022 तक कोई भी एग्जाम आएगा आपसे, अगर टाइगर सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा तो टाइगर सेंसस 2018 को ही लेकर पूछेगा। तो ये सारे डेटा जो हमने आपके स्क्रीन पर दे रखे हैं, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये टाइगर सेंसस कंडक्ट कराता कौन है? तो ये कराता है ऑल इंडिया टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस टाइगर सेंसस को कंडक्ट कराता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। फिर और एक छोटा सा डेटा है कि जो टाइगर सेंसस किया गया उसके साथ साथ ये भी मालूम किया गया कि जो टाइगर सेंसस हुआ, जहाँ पे टाइगर सेंसस यानी जो सेंचुरी है, जो टाइगर रिजर्व है, वो कहाँ पे सबसे ज्यादा मैनेजमेंट, सबसे अच्छा मैनेजमेंट किया जाता है। तो सबसे अच्छा मैनेजमेंट जो किया गया पेंच सेंचुरी में और पेरियार सेंचुरी ऑफ केरला। पेंच मध्य प्रदेश और पेरियार सेंचुरी ऑफ केरला जो है, ये दोनों सेंचुरी जो है वो बेस्ट सेंचुरी है, जहाँ पे सबसे बढ़िया मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट पे आधारित है कि सबसे बढ़िया मैनेजमेंट किस सेंचुरी में हुआ है, तो वो कौन कौन सा है? तो पेंच सेंचुरी मध्य प्रदेश और पेरियार सेंचुरी केरला में सबसे बढ़िया मैनेजमेंट हुआ है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद देखिए डम्फा रिजर्व जो है और राजा जी रिजर्व विद स्कोर 42.97% एंड 44.53 रिस्पेक्टिवली वर लेफ्ट एट द बॉटम। ये नीचे रहे सबसे। और छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में जो टाइगर रिजर्व है वो सबसे कम मैनेजमेंट में सबसे खराब रहा है छत्तीसगढ़ का। यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसमें सबसे बढ़िया रिकॉर्ड किया गया है कि यहाँ का जो टाइगर पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो वो कहाँ पे बढ़ा है? तो वो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट कहाँ हुआ है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट हुआ है। और सबसे ज्यादा टाइगर तो आपको मैंने बता दिया, और ये रिजर्व भी याद रखिएगा, आपको तो इतना पता है कि सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट जो रिजर्व है वो है पेंच टाइगर रिजर्व। तो ये भी याद रखिएगा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में, तो पेंच टाइगर रिजर्व में हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स पाए गए हैं। ठीक है, ये कंप्लीट डेटा था जो टाइगर टाइगर सेंसस का। तो मैंने सारा कुछ इसमें कंप्लीट कर दिया है। क्यों इस ये जो न्यूज था आज की, हाल ही में न्यूज में क्यों था ये टॉपिक, और इसमें टाइगर सेंसस 2018 में क्या क्या कौन कौन सा डेटा आए, और ये सब एग्जाम पर्सपेक्टिव से कितना इम्पोर्टेंट है, और ये कब तक काम आएगा टाइगर सेंसस 2018, तो जब तक कि 2022 आना जाता है। ये पांचवा, ये भी आपको याद रखना कि ये जो टाइगर सेंसस 2018 था, ये चौथा टाइगर सेंसस था। ठीक है, पहला 2006 में हुआ था, तो ये चौथा टाइगर सेंसस 2018 था। ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।